है दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एसएससी का बम्पर वैकेंसी निकल चुका है। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन में जनरल डीटी में 56,300 पोस्ट निकला है। आप देख सकते हो 56,300 पोस्ट निकल चुका है। आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। अप्लाई कैसे करोगी? ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। जो सैलरी रहेगा आपका 21,700 से 69,100 सैलरी रहेगा। इंडिया में आप जिस भी जगह से हो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। किस किस पोस्ट में कितना पोस्ट निकला है सीआरपीएफ बीएस में आपको आप बता दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की जानकारी आपको मिलती रहे। सीआरपीएफ में पोस्ट निकला है 24,259 का पोस्ट निकला है। बीएसएफ में 9,392 पोस्ट निकला है मेल के लिए। सीआईएसएफ में 2,713 पोस्ट निकला है। एसएसबी में 6,123 पोस्ट निकला है। आईटीबी में 1,280 पोस्ट निकला है। आप देख सकते हो आसाम राइफल में 4,615 पोस्ट निकला है। एनआईए में 2,201 पोस्ट निकला है। एसएसएफ में 224 पोस्ट निकला है। टोटल पोस्ट निकला है मेल कैंडिडेट के लिए 48,807 पोस्ट निकला है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए सीआरपीएफ में पोस्ट निकला है 2,597। बीएसएफ के लिए 1,964 और सीआईएफ में 779। एसएसबी में 1,152। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन में, आप देखिए इतने। आसाम राइफल में 303, एसएसबी में 1,152, एनआईए में 41, एसएसबी में 59। इन टोटल पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए मिला है 7,495 निकला है। आप देख सकते हो। इसी तरह का जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा 2023 का, निश्चय आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का और साथ में पीआरसी भी होना चाहिए। आपका एज रहेगा 18 ईयर्स, मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज 23 होना चाहिए। आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो 18 ईयर्स मिनिमम, 20 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन रहेगा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी एम ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स रहेगा। और एप्लीकेशन फीस जो आपका रहेगा 1 जनरल कैंडिडेट के लिए 100, ईडब्ल्यूएस के लिए 100, ओबीसी के लिए 100, एसटी एससी और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री होगा। आप देख सकते हो। तो जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिएगा। जो आपको पेमेंट मोड होगा, पेमेंट करना होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान, आप किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ आपको 10 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो 10 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। जो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिलेक्शन होगा आपका सीबीटी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, तारपर री मेडिकल टेस्ट, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। उसके बाद आपको बुलाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो आपका जनरल नॉलेज से आपको 25 क्वेश्चन आएगा, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 25, इंग्लिश और हिंदी में 25, 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। और साथ में ध्यान रखें 0.5025 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए 35% चाहिए और ओबीसी एसटी के लिए 35% चाहिए पासिंग मार्क। जो आपको रनिंग होगा, रनिंग फॉर मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट 30 सेकंड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपको रहेगा ऑल इंडिया जनरल एससी और ओबीसी के लिए हाइट रहेगा 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157, ऑल इंडिया एसटी हाइट के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150। नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर के लिए जो मेल कैंडिडेट का हाइट रहेगा वो 165 पर रहेगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 पर। ऑल इंडिया जनरल एससी ओबीसी के लिए चेस्ट रहेगा 80 बाई 5 पर और ऑल इंडिया एसटी हाइट के लिए 76 बाई 5। आप देख सकते हो। एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा, एग्जाम सेंटर नॉर्थ ईस्ट में जहाँ रहेगा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा,
एग्जाम सेंटर रहेगा। और स्टार्टिंग डेट जो आपको मतलब स्टार्टिंग डेट अप्लाई होने वाला डेट है 10/12/2022 10/22 से अप्लाई होने वाला लास्ट डेट रहेगा 19/1/2023। और साथ में कैसे अप्लाई करें, आप अप्लाई नहीं कर पाते तो मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं किस तरह से अप्लाई करता हूं तो आपको जानकारी दूंगा। और ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। देखिए बम्पर वैकेंसी निकल चुका है, आप देख सकते हो, तो इस पर अप्लाई कीजिए। 56,302 पोस्ट निकला है जनरल ड्यूटी में।